जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। तो जी आज का जो दिन है वो मतलब मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं कुछ बाहर से खाऊं। लाइक दिल कर रहा था कि मैं पाकिस्तान में होती तो मैं बंदूक खान जाती, वहाँ से बोनलेस हांडी लेती, साथ वाइट राइस लेती। तो पहले तो मैं सोचती थी बैठी घर में, मैंने फ़िश बनाई हुई थी लाइक घर में ना खाने के लिए, डिनर के लिए मैंने फ़िश बनाई थी, लेकिन वो मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं ना कुछ अपने लिए स्पेशल बनाती हूँ, कोई अपने आप को ट्रीट देती हूँ। तो मैं उठी और जाके मैंने किचन में अपने आप को मतलब अपने लिए खाना बनाना रेडी किया। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, अगर आपका भी दिल करे कुछ बाहर का खाने का तो अपने घर में ये बनाएं। लिटरली इतनी टेस्टी रेसिपी है, इतनी टेस्टी, आप लोग ये ट्राई करिए, बनाएं, और अगर अच्छी ना बने और मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। बहुत यम्मी बनी, तो मैंने व्लॉग बनाया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, और बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो आप लोग एक पैन ले लें या जिसमें भी खाना बनाते हैं वो ले लें, और उसमें ऑयल डालें, घी डालें, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, और अगर आप लोगों को नहीं आइडिया तो हाफ कप डालना है आप लोगों ने ऑयल, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑयल होगा उतने अच्छे से चिकन जो है वो फ्राई होगा और उतने अच्छे से वो बनेगा। तो इस रेसिपी के लिए हमें एक प्याज चाहिए, लाइक मेरे पास एक फुल बोनलेस है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। एक प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाल के ग्राइंड कर लिया, और ऑयल के अंदर इसको हमने मिक्स कर देना। वो अलग से अगर काटेंगे प्याज टमाटर वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा। तो आप लोगों ने इसमें मिक्स कर देना है, लाइक इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और अगर किसी को मसाला बनाना आ जाता है ना खाने का तो वो कामयाब है, लाइक वो कोई भी खाना बना सकता है। तो इस मसाले की बेस पे ही आपकी हांडी परफेक्ट बनती है। तो जब ये बबल्स बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है आपका मसाला मतलब ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो इसमें आपने नमक डाल देना है, और 1 टीस्पून नमक, और नमक अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च, और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी हल्दी, लाइक ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल लें, और सूखा धनिया में उसका अभी क्रश करके मैंने अभी डाला है उसमें। तो ये 4 चीज़ें हैं सिर्फ मसाले में, आपको सिर्फ ये चीज़ें चाहिए फ़िलहाल। और जब ये बबल्स बन रहे हैं तब आप लोगों ने ये डालने हैं, और बाद में आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से मसाले की बुनाई होगी तभी इसका टेस्ट आएगा, लाइक आपने तब तक भूनना है जब तक ये जो ऑयल हमने डाला था वो ऊपर नज़र नहीं आना शुरू हो जाता है। अच्छे से इसको भून लेते हैं, और अगर आप लोग पेस्ट बना के डालेंगे टमाटर का और प्याज का, और उसी के अंदर मैंने लहसुन अदरक डाल दिया था, तो काफ़ी अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो ये पेस्ट अब देखें ऑलमोस्ट डन हो गया है, बबल्स आ रहे हैं, ऑयल ऊपर नज़र आना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि अब हमें इसमें चिकन डालना चाहिए। जब इस तरह हो जाए तो आप लोगों ने इसमें फुल, मैं ब्रेस्ट ले रही हूँ आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप हाफ़ ले रहे हैं जस्ट पीस तो आपने हाफ़ प्याज डालना है, एक टमाटर डालना है। मैंने पूरा ब्रेस्ट लिया है तो मैं एक प्याज नॉर्मल साइज़ का और 2 टमाटर डाले हैं मैंने, इसको इसमें मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मैं इसमें आलू डालूंगी, लेकिन आप मर्ज़ी है आपकी, अगर आप डालना चाहें, मैं तो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी खाती है तो, और मुझे भी पसंद है। तो पहले आप लोगों ने इसको चिकन को मिक्स कर लेना है, और अगर आप आलू नहीं डाल रहे तो आपने आलू के पार्ट को स्किप कर देना है। तो इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम होगा, लाइक जैसे आप पहले खाना बनाते हैं उसमें पानी का इस्तेमाल होता है, लाइक हाफ ग्लास तो हम डालते हैं, लेकिन इसमें हमने सिर्फ 2 घूंट पानी डालने हैं, लाइक 2 घूंट से मुराद है लाइक बहुत थोड़ा, क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा और मतलब आलू को भी हमने पानी में डिप करके रखा हुआ है। तो ये इसमें मैंने, जब चिकन मिक्स हो गया तो इसमें मैंने आलू डाल दिए, और मैंने पानी का पार्ट भी बनाया था लेकिन वो स्किप हो गया, लेकिन मैंने कहा मैं दिखा दूँगी, लाइक बहुत थोड़ा सा पानी डाला था मैंने, वो पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो उसको मिक्स करना है, और आपने इसको कवर करके, लाइक बहुत थोड़ा पानी डाला मैंने, कवर करके आपने इसको 10 से 15 मिनट्स के लिए रख देना है। मुझे 7 वाइट राइस खाने थे तो मैंने साइड पे मतलब वाइट राइस बनाने भी शुरू कर दिए। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे ये इसको क्या हुआ है, ये नॉनस्टिक है, मैंने इसको ज़ोर से धोया तो इसके अंदर से नॉनस्टिक उतर गया, तो इसलिए थोड़ा ख़राब लग रहा है। खैर मेरे पास अभी ज़्यादा बर्तन नहीं है क्योंकि मैं यहाँ न्यू आई हूँ, तो अभी यही है तो इसी से गुजारा करते हैं। तो ओके, तो राइस बनाने तो सबको ही आते हैं, ये मैं वैसे ही रिकॉर्ड करी थी, मैंने कहा मैं बता दूं जिसको नहीं आता। तो मैं यहाँ पे तड़के वाली राइस बना रही हूँ, तो ऑयल लेना है, उसमें प्याज डालना है, नमक डालना है, और जब प्याज ब्राउन हो जाए तो अगर आप 1 गिलास चावल ले रहे हैं तो आपने 2 गिलास पानी डाल देना है, लाइक सेम ग्लास। तो और जब
पानी बॉयल हो जाए तो उसके बाद चावल डाल देने हैं, दैट्स इट। राइस बनाने तो बहुत ईजी है। अगर नहीं आते आपको राइस बनाने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको वो भी बता दूँगी। और जिन लड़कियों की शिकायत होती है कि हमने काम नहीं करना, ऑयल उड़ता है, हमें हमारे हाथ जल जाएंगे ये वो, तो खाली ऑयल जो होता है वो उड़ता है, लाइक वो उड़ के पड़ता है, तो आप लोगों ने इसके अंदर नमक डाल लेना है। नमक डालेंगे या कोई भी चीज़ डालेंगे तो फिर वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। खाली ऑयल में अगर पानी में गिर जाए तो फिर वो उड़ना शुरू हो जाता है और फिर हाथों पे गिरता है ऑयल, तो अगर आप नमक डाल देंगे उसमें तो वो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि खाना बनाने के साथ स्किन केयर भी ज़रूरी है, तो अपना ख्याल रखा करें और हो सके तो ग्लव्स पहन लिया करें, ये इससे आपके हैंड भी वाइट रहेंगे, लाइक आपका पसीना निकलेगा तो फिर आपके हैंड भी वाइट रहेंगे। सो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो यहाँ पे अब इसको निकाल इसको यहाँ पे खोलेंगे और देखें इसमें पानी है, तो ये जो पानी है आपने इस हद तक खुश करना है कि ये नीचे लगना शुरू हो जाए, लाइक जब आपका थोड़ा थोड़ा मसाला नीचे लगना शुरू हो जाए ना, आपने उस हद तक खुश करना है, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी इतनी ज़्यादा नहीं रखनी, फिर वो रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं बनेगा, क्योंकि फिर वो सालन टाइप बन जाएगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो जब थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो जाए तब आपने एक टेबलस्पून भर के काली मिर्च डाल देनी है। काली मिर्च स्पाइसी नहीं होती, तो अगर आप ज़्यादा भी डालेंगे तो उसका फ्लेवर आता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं रेड मिर्च जो होती है वो कम यूज़ करती हूँ, ब्लैक ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो फिर इसलिए 1 टेबलस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी और इसमें मिक्स करना है। और इसमें एक मिर्च डाल रही हूँ बिकॉज़ आई डोंट लाइक, सो इसमें सिर्फ मैं एक ही डाल रही हूँ और इसको मिक्स करना है। इसको अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है, अभी मेरी हांडी नीचे से लग नहीं रही, तो बेसिकली इसको बोनलेस हांडी कहते हैं, सो जो अभी मेरी हांडी है वो नीचे से लग नहीं रही, तब तक वेट करना है जब तक वो लगनी शुरू हो जाए, इतना ड्राई करना पानी। तो यहाँ पे लगना शुरू हो गई थी, इस टाइम पे आपने आके 2 टेबलस्पून भर के क्रीम यूज़ कर देनी है। क्रीम आप कोई भी ले सकते हैं, इट्स ओके। तो ये 2 टेबलस्पून क्रीम डाल के इसको मिक्स किया तो ये कुछ इस तरह का लग रहा है। अब इसको कवर करके 30 से 40 सेकंड के लिए इसको आपने रख देना है, सेकंड्स के लिए, नॉट मिनट। उसके बाद ये है फाइनल लुक। इट्स सो यमी, आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत यमी था। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी छोटी रेसिपीज़ अच्छी लगती होंगी। मिलती रहूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये है मेरी प्लेट, इसमें कोल्ड ड्रिंक आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ले लें, नहीं है तो गुजारा करें। बाय।